अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। आई एम योर साइंस टीचर एंड इट्स योर साइंस बुक। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन द बुक, कम टू द पेज नंबर 71। इट्स योर पेज नंबर 71। दिस इज़ अ कंटिन्यू रीडिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोबाइल एंड स्मार्टफोन्स। आज हम पढ़ेंगे मोबाइल और स्मार्टफोन के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, और एक टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? कंप्यूटर्स का एक टॉपिक पढ़ा था। रिवाइज करते हैं कंप्यूटर का टॉपिक। कंप्यूटर जो है उससे जो है कंप्यूटर से मैंने आपको कल भी बताया था कि कंप्यूटर से बहुत सारे काम जो हैं वो हमारे आसान हो गए हैं, और कंप्यूटर जो है वो हमारे घर में और ऑफिसेज में होता है। ठीक है, कंप्यूटर के बाद हमारे पास लैपटॉप और टैबलेट्स आ गए जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब हम पढ़ेंगे फ़ोन एंड स्मार्ट मोबाइल एंड स्मार्टफोन्स के बारे में। ठीक है, स्टार्ट रीडिंग। अ मोबाइल फ़ोन इज़ अ डिवाइस दैट कैन मेक एंड रिसीव टेलीफोन कॉल्स ओवर अ रेडियो लिंक व्हाइल मूविंग अराउंड अ वाइट एरिया। इट डज सो बाय कनेक्टिंग टू अ सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय अ मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर। मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम किसी की कॉल्स को, किसी दूसरे पर्सन की कॉल्स को, मैसेजेस को हम रिसीव करते हैं। और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम कहीं पर भी मौजूद हों, किसी भी शहर में हों, किसी भी मुल्क में हों, हम जो है वो अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से आराम से बात कर सकते हैं। अब तो बहुत इजी हो गया है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, हमें अगर किसी से बात करनी है तो हम फौरी नंबर डायल करते हैं और हम अपने फ्रेंड से आराम से बात कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर। What is this? Mobile. A smartphone is a mobile phone with more advanced features. अब मोबाइल जो होता है वो एक सिंपल डिवाइस है जिससे हम, मैंने आपको जैसे बताया कि हम किसी दूसरे के कॉल्स रिसीव कर सकते हैं और मैसेजेस अगर हमें कोई बात कहनी है तो मैसेज के थ्रू हम कह सकते हैं। अगर वो बिज़ी है, हमारी कॉल रिसीव नहीं कर सकता, तो हम मैसेज के थ्रू अपनी बात कन्वे कर सकते हैं आगे। अब जो स्मार्टफोन है, अब स्मार्टफोन और मोबाइल फ़ोन में फ़र्क क्या है? जो मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, वो एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम जो है वो रिसीव टेलीफोन कॉल्स वगैरह रिसीव कर सकते हैं। उसमें रेडियो लिंक भी होता है, हम कहीं पर ही बैठे हुए हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं या जिससे हमें बात करनी है वो कहाँ हैं, है ना। ये एक जो है ये सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइड करता है मोबाइल फ़ोन हमें। अब स्मार्टफोन क्या है? स्मार्टफोन जो है ये भी एक मोबाइल फ़ोन है, लेकिन इसके अंदर मोर फीचर्स हैं, बहुत सारे उसमें अलग फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं? सच एज अ टॉच स्क्रीन, उसके अंदर एज अ टच स्क्रीन, उसकी सबसे बड़ी बात है उसमें एक टच स्क्रीन है। जो स्मार्टफोन है हमारे, इसमें टच स्क्रीन है ना, इसमें हमें टच स्क्रीन है इसके अंदर, और डिजिटल कैमरा होता है इसमें, डिजिटल कैमरा भी है, वीडियो कैमरा भी है, वेब ब्राउज़र भी हैं, और बहुत सारे जो है वो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। इट आल्सो हैज़ सम फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो हमें जो है वो कंप्यूटर से मैच करते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर में फ़ीचर्स हैं कुछ फ़ीचर्स हमारे स्मार्टफोन में भी मौजूद हैं। अब चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। Now come to the page number 74. It's your page number 74. Question number 2 is your homework. Rearrange these letters to form the correct names. आपको यहाँ पे जो letters दिए हुए हैं इनको rearrange करने हैं, और यहाँ पे जो इनके correct names हैं वो बताने हैं। अब हम इस first one पढ़ते हैं। C-O-M-P-U-T-R-E, ये क्या बना students? देखें, सी ओ एम हमें कुछ समझ आ रहा है, पी यू टी यहाँ से तो हमें समझ आ रहा है, तो स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ से? इसकी आर ई से,
क्यों? पहले क्योंकि ये कंप्यूटर की स्पेलिंग है, कंप्यूटर में पहले ई आता है और फिर आर आता है। यहाँ लिखना है इसको करेक्ट करके सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखें एम ओ बी आई एल ई, एम ओ बी से हम समझ जाएंगे ये क्या है, मोबाइल। मोबाइल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, एम ओ बी आई एल ई मोबाइल। नेक्स्ट देखें आई पी डी ए, आई पी से हमें पता चल रहा है ये क्या है, आई पैड। तो आई पैड की क्या स्पेलिंग है, आई पी ए डी आई पैड। नेक्स्ट देखें एन टी डब्ल्यू ओ आर के ई, अगर हम देखें तो ये एन से हमें समझ कुछ कुछ समझ आ रहा है, लेकिन अगर हम इसकी नेक्स्ट स्पेलिंग देखें ये वर्क पूरा है, डब्ल्यू ओ आर के वर्क। तो इसका मतलब ये क्या है, एन यहाँ है हमारे पास और ई यहाँ है, तो हम तो ये क्या हुआ, एन ई टी नेट डब्ल्यू ओ आर के वर्क नेटवर्क। तो ये क्या वर्ड है हमारे पास स्टूडेंट्स, नेटवर्क, एन ई टी नेट डब्ल्यू ओ आर के नेटवर्क। डू ऑल वर्क इन योर साइंस बुक, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टुडे वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम बैक विथ अनदर वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।